नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है गुरु ग्रह के प्रत्येक स्थान के अंदर कैसा फल देंगे इसके बारे में, जन्म कुंडली के प्रत्येक स्थान में गुरु कैसा फल देते हैं इसके बारे में। आज का ये वीडियो ज्योतिष नया सीखने वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रेडिक्शन आप 24 दिन रोज देखिए, एक महीने के अंदर आपको ये प्रेडिक्शन बाय हार्ट हो जाएगा और आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कुंडली के अंदर गुरु कौन से स्थान में कैसा फल देंगे। किसी भी जातक को आप कुंडली देख के बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखते रहना है। गुरु ग्रह की रेमेडी, मंत्र, दान सब कुछ वीडियो के अंदर बता देते हैं। गुरु जन्म कुंडली के प्रत्येक स्थान के अंदर कैसा फल देंगे इसके बारे में है आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले गुरु ग्रह का जो श्लोक है, वेदोक्त मंत्र है, वो इस प्रकार है। ओम देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो ये गुरु का वेदोक्त मंत्र है। देवानाम च ऋषिणाम च मतलब देव और गुरु के, ये गुरु है देवों के और जो ऋषि मुनि हैं, जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने वाले हैं, जो स्पिरिचुअल साइंस में बढ़ने वाले हैं, इनके लिए जो पढ़ाई में आगे बढ़ने वाले हैं, इनके लिए ये विद्या के कारक ग्रह गुरु है। देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम, ऐसे गुरु जो सही ज्ञान देते हैं ऐसे गुरु बहुत मिलने मुश्किल है। गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम, त्रिलोक के अंदर मतलब तीनों लोक के अंदर, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, तीनों लोक के अंदर जिसके अंदर बुद्धि सबसे ज़्यादा है, बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम, ऐसे महाबुद्धिशाली ग्रह हम गुरु आपको प्रणाम करते हैं। तो बृहस्पति जो ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है गुरु, गुजराती में भी इसको गुरु बोलते हैं, इन संस्कृत में इनको बृहस्पति बोलते हैं। तो गुरु ग्रह के लिए ऐसा कहते हैं कि गुरु जो है वो सबसे बड़े ग्रह हैं, जो हमारे आकाश के अंदर 7 विद्यमान ग्रह हैं, जो हमारे सबसे नज़दीक है पृथ्वी से, सूर्य से लेकर शनि तक, उसमें सबसे बड़े ग्रह जो हैं वो गुरु हैं। और राहु केतु जो है वो छाया बिंदु हैं, और बाकी आकाश में जितने भी तारे दिखते हैं वो सब ग्रह हैं, लेकिन हमारे सबसे नज़दीक ये 7 ग्रह हैं, इसके कारण हमको ये सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन के अंदर इफेक्ट करते हैं। तो गुरु ग्रह का जो फल है ये कुंडली के अंदर कैसा फल देने वाला होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो गुरु ग्रह जो है ये प्रथम स्थान के, कुंडली के अंदर 12 स्थान होते हैं। जब प्रथम स्थान के अंदर गुरु होते हैं तो गुरु ऐसे जातकों को, गुरु के लिए ऐसे कहते हैं भावाति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठ जाते हैं उस भाव के फल को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो प्रथम स्थान में जब गुरु होते हैं तो जो ये माथा का भाग है, यहाँ पर गुरु होने के कारण क्या होगा कि एक बहुत सा भार क्रिएट हो जाएगा माथे के ऊपर, और इसके ऊपर क्या होगा, दिमाग के ऊपर भार क्रिएट होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो भी जातक के लगन के अंदर गुरु हैं ये कोई भी डिसीजन लेने में बहुत असमंजस में फंसे रहेंगे, क्योंकि ये बहुत विचार करेंगे, सोच करेंगे, और ऐसे कारण क्या होगा कि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो धनुष गुरु की जो दृष्टि होती है वो 5, 7 और 9 होती है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम स्थान, सप्तम स्थान एवं नवमे स्थान के अंदर दृष्टि करते हैं। जब गुरु प्रथम स्थान के अंदर है तो पंचम स्थान में दृष्टि करेंगे, ज्ञान के जो स्थान है, विद्याभ्यास का स्थान है, प्रणय संबंधों का स्थान है, सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का स्थान है, और नवम स्थान जो है वो भाग्य स्थान है। तो ये तीनों तीन स्थान के अंदर गुरु की दृष्टि शुभ होने के कारण ऐसे जातकों का लव मैरिज होने की पावरफुल चांसेस बढ़ जाने, यानी कि प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पंचम एवं सप्तम स्थान के अंदर गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है। भाग्य उदय भी ऐसे जातकों का 22 साल की उम्र में हो जाता है। धन स्थान के अंदर गुरु है तो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा,
लेकिन इसको ये जातक जो है वो 42 साल की उम्र के बाद कैच कर पाएंगे। गुरु की जो अवधि है वो 42 ईयर्स की होती है। तो गुरु धन स्थान के अंदर होंगे तो छठवें स्थान के अंदर दृष्टि होगी, जिसके कारण मामा मौसी का सुख अच्छा मिलेगा, आयुष्य बलवान करेंगे और करियर में भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। ऐसे जातकों का जो फैमिली के अंदर गुरु है धन स्थान के अंदर, तो ऐसे जातकों का फैमिली बिजनेस में आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे स्थान के अंदर यदि गुरु है तो साहसिक बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, डेयरिंग पावर अच्छा रहेगा और साहस से लाभ रहेगा। ऐसे जातकों का विवाह 22 साल की उम्र के आसपास होने की संभावना है। भाग्योदय भी 22 साल की उम्र में कर देंगे और ऐसे जातकों का जो फ्रेंड सर्कल है वो भी काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु की दृष्टि होगी। चौथे स्थान के अंदर गुरु है तो ऐसे जातकों को रहने के अलावा ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहता है कि गुरु भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में बैठ जाते हैं गुरु चौथे स्थान के अंदर सुख स्थान को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको सुख की अनुभूति कम होती है या तो ज़्यादा सुख की लालसा के अंदर ये अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट 42 के बाद होता है और रहने के अलावा ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं लेना चाहिए। गुरु अष्टम भाव में दृष्टि करेंगे जब चौथे स्थान में बैठे होंगे, तो आयुष्य बलवान करेंगे, करियर में भी डेवलपमेंट होगा और ख़ास करके ऐसे जो जातक हैं एजुकेशन एंड कोचिंग रिलेटेड वर्क के फील्ड के साथ कनेक्टेड होने की पावरफुल संभावना रहती है। और ये गुरु 12वें स्थान में दृष्टि करने के कारण ऐसे जातकों का जो सेविंग है वो 42 साल की उम्र के बाद ज़्यादा अच्छा होगा। पंचम स्थान के अंदर गुरु दोष कारक माने जाते हैं। विद्या अभ्यास चाहे जातक कितना भी कर ले, लेकिन पढ़ाई काम में नहीं आती है और ऐसे जातकों को खास करके संतान रिलेटेड चिंता टेंशन सामान्यतः बना रहता है। तो पंचम स्थान के अंदर गुरु हो तो निवारण क्या करना है, देखते रहिए वीडियो एंड तक। गुरु भाग्य स्थान में दृष्टि करेंगे तो गुड लक स्टार्ट एट द एज ऑफ 22 जब गुरु पंचम स्थान में होंगे, और लाभ स्थान में दृष्टि करेंगे तो मित्रों से लाभ रहेगा। और ये गुरु आपके जन्म के चंद्र के लग्न के अंदर दृष्टि करेंगे, जिसके कारण 42 ईयर्स की एज के बाद ऐसे जातकों का पूर्ण भाग्योदय होता है, ऐसा कह सकते हैं। छठे स्थान में गुरु रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे, लेकिन मैटरनल रिलेशन यानी कि मामा मौसी के साथ जो रिलेशन है वो बिलो एवरेज प्रकार का हो जाएगा। कर्म स्थान इनका मजबूत होता है, सेविंग 42 साल के बाद होता है और कुटुंब सुख धन सुख में ये अद्भुत वृद्धि करने वाले होंगे 42 ईयर्स की एज के बाद। सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन प्रणय संबंध और पार्टनरशिप, यहाँ पर सप्तम स्थान के अंदर गुरु दोष कारक माने जाएंगे। सेवंथ हाउस जो गुरु हैं यहाँ पर खास करके जो कोई भी जातक स्त्री जातक हैं इनके लिए शुभ फल देने वाले नहीं होंगे। तो उनका क्या होगा कि इनका एक्सेप्टेशन जो है वो बढ़ जाता है सामने के कैरेक्टर की ओर, तो उसके कारण ये बहुत दुखी होते हैं। गुरु आयुष्य भाव में सप्तम स्थान में जब होंगे तो दृष्टि करेंगे लाभ स्थान में, तो फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा। ये गुरु आपके जन्म के लग्न के अंदर दृष्टि करने के कारण ऐसे जातकों को नॉलेजेबल बनाएंगे और पराक्रम में भी वृद्धि करने वाले बनाएंगे, साहसिक बनाएंगे। आठवें स्थान में यदि गुरु है तो आयुष्य बलवान करेंगे और ऐसे जातकों के गुप्त रिलेशन भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे जातकों को स्पिरिचुअलिज्म ज्योतिष ये सब के अंदर भी इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले बनेंगे। 12वें स्थान में दृष्टि होने के कारण एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से लाभ रहेगा, विदेश यात्रा प्रवास भी रहेगा, धार्मिक कार्य में शुभ कार्य में खर्चा होगा, फैमिली के लिए होगा, मकान वाहन जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए भी ये जातकों का खर्चा ज़्यादा रहेगा। भाग्य स्थान में गुरु है तो गुड लक स्टार्ट एट द एज ऑफ 22 और 22 साल में जो भाग्योदय नहीं होता है तो 42 साल की उम्र में तो होगा ही होगा। तो गुरु कौन सी राशि के अंदर है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से डिग्री के ऊपर है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले आप ये बेसिक फल जान लीजिए कि ऐसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा जो प्रत्येक स्थान के अंदर हम बता रहे हैं। तो डिटेल में आप पहले यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं जान रहे हैं तो पहले ये बेसिक आप कंटेस्ट कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 24 दिन आप रोज ये वीडियो देखिए तो 25वें दिन में आपको ये वीडियो बाय हार्ट हो जाएगा, प्रिडिक्शन बाय हार्ट हो जाएगा। जो पूरा प्लेलिस्ट है वैदिक बेसिक ज्योतिष का हमारा, ये प्रत्येक वीडियो आप रोज देखिए और
उसके कारण क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली एक महीना प्रत्येक वीडियो आप रोज देखेंगे, एक का एक वीडियो आपको रोज देखना है, तो ये जो प्रिडिक्शन है आपको कंठस्थ हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप डिटेल स्टडी के अंदर जा सकते हैं। गुरु भाग्य स्थान के अंदर होंगे तो 42 साल की उम्र के बाद भाग्योदय होगा, ये गुरु आपके लग्न के अंदर दृष्टि करेंगे जिसके कारण नॉलेज में वृद्धि होगी। पराक्रम में दृष्टि करने के कारण साहसिकता में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख अच्छा रहेगा। और ऐसे जातक का पंचम स्थान में गुरु दृष्टि होने के कारण एक पुत्र का योग करेंगे और आकस्मिक लाभ के भी संभावना बढ़ जाएगी। जब पंचम स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तभी ना तभी जातकों को शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि प्रकार के व्यवसाय से या तो काम से लाभ मिलने की संभावना रहती है। गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि पंचम स्थान में हो तो ये ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है। लेकिन फिर भी लाइफ में कभी भी शेयर सट्टा लॉटरी किसी को भी इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज ऐसी है कि उसके पीछे बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं। गुरु की जो दृष्टि पंचम स्थान में है तो विद्या संतान सुख अच्छा रहेगा और ऐसे जातकों को पुराने संबंधों में सफलता देने वाले होंगे जब गुरु नौवें स्थान के अंदर होंगे। गुरु दसवें स्थान के अंदर होंगे तो क्या फल देंगे? तो गुरु दसवें स्थान में दोष कारक माने जाते हैं, खास करके ऐसे जातकों को लाइफ में कोई भी प्रकार का बिजनेस नहीं करना चाहिए और जॉब या तो खास करके ऐसे जातक कोचिंग के कार्य के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। कोई भी फील्ड के अंदर कोच का काम कर सकते हैं, प्रोफेशन टीचिंग का प्रोफेशन है, ऐसे जातकों को कोई भी फील्ड के अंदर ज़्यादा सूट करेगा। तो ऐसा टीचिंग का प्रोफेशन मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज के अंदर टीचर हो, आप चाहे फुटबॉल के कोच हो, आप चाहे क्रिकेट के कोच हो, आप चाहे चेस के कोच हो, कोई भी फील्ड के अंदर आप सिखाने का कुछ काम कर रहे हो, ऐसी जो प्रोफेशन है वो आपको ज़्यादा सूट करेंगे। लाभ स्थान के अंदर गुरु हैं तो मित्रों से लाभ रहेंगे। दसवें स्थान के जो गुरु हैं तो ये जो दसवें स्थान में गुरु है ऐसे जातकों को खास करके फैमिली बिजनेस में भी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि धन स्थान के अंदर गुरु की दृष्टि होगी। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट 42 के बाद होगा और रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे, मामा एवं मौसी से भी आपको लाभ रहेगा। 11वें स्थान में गुरु है तो मित्रों से लाभ करने वालेंगे, फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा रहेगा, साहसिक बनाएंगे, डेयरिंग पावर अच्छा रहेगा। पंचम स्थान में गुरु की दृष्टि होने के कारण प्रणय संबंधों में सफलता देने वाले बनेंगे और सप्तम स्थान में भी गुरु की दृष्टि होने के कारण लव मैरिज के प्रेम विवाह के योग करवाने वाले बनेंगे। तो 11वें स्थान में गुरु लव मैरिज करेंगे और लगन के अंदर गुरु होंगे तो भी लव मैरिज के योग बनाएंगे। तो गुरु की पंचम एवं सप्तम स्थान में दृष्टि दो प्रकार से पड़ती है, लगन के अंदर जब होते हैं और जब 11वें स्थान के अंदर होते हैं। तो 12वें स्थान में जब गुरु होते हैं तो धार्मिक कार्य में शुभ कार्य में खर्चे करवाएंगे, 42 ईयर्स के बाद सेविंग अच्छा होगा और मकान वाहन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी 42 के बाद ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। मामा मौसी का सुख अच्छा रहेगा और आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले बनेंगे। 12वें स्थान में गुरु धार्मिक यात्रा प्रवास में शुभ कार्य में विदेश यात्रा बड़ी बड़ी यात्राओं के अंदर खर्चा आपका ज़्यादा रहेगा। तो गुरु ग्रह की शांति के लिए क्या करना है? एक तो सबसे पहले आपको मंत्र बताया है, ओम देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये मंत्र करना पॉसिबल ना हो तो सिंपल मंत्र कर सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम गुरुवे नमः। गुरु ग्रह की शांति के लिए सिंपल है, चना की दाल या तो दालिया और इसके साथ थोड़ा सा गुड़ मिला के गाय को खिलाएं, खुद भी खाने में दालिया चना और गुड़ का प्रयोग करें। वस्त्र जो है वो आप येलो कलर के पहन सकते हैं, पीले कलर के गुरु ग्रह की शांति के लिए। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस व्हाट्सएप कर दीजिए आपके नाम के साथ। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन भी दबाना है और लाइक का बटन भी दबाना है। मिलता है नए वीडियो में, आप जहां भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो हेल्दी रहो ऐसी शुभकामना के साथ।
मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रिडिक्शन का लाभ मिल सके। जय गणेश, जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी।